नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। कल पांचवें चरण में 7% से ज्यादा मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल, लद्दाख, ओडिशा और झारखंड में बंपर वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने बीती रात 11:30 बजे पांचवें चरण के मतदान का फाइनल आंकड़ा जारी किया और इस आंकड़े के मुताबिक पांचवें चरण में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर मतदान में 74.65% वोट डाले गए। दूसरे पायदान पर रहा लद्दाख, लद्दाख में 69.62% मतदान हुआ है, जबकि तीसरे पायदान पर रहा ओडिशा, जहां पर 67.59% वोट डाले गए। चौथे पायदान पर झारखंड रहा, जहां 63.07% मतदान हुआ। वहीं यूपी समेत बाकी राज्यों में पांचवें चरण में मतदान का आंकड़ा 60% से भी कम रहा। पांचवें चरण का मतदान खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने बचे हुए अगले 2 चरणों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। मिशन यूपी और बिहार के तहत आज प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले बिहार जाएंगे, जहां पर पूर्वी चंपारण में सुबह 11 बजे रैली करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी महाराजगंज आएंगे और दोपहर 12:30 बजे यहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराजगंज से प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज रवाना हो जाएंगे। वहां पर 3:45 पर पीएम मोदी आज की अपनी तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर पीएम मोदी अगले पड़ाव के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी रवाना हो जाएंगे। वाराणसी में 5:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी 25,000 महिलाओं के साथ मातृशक्ति सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वाराणसी में 7वें और अंतिम चरण में यानी कि 1 जून को मतदान है, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी का आज का जो दौरा है चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और अब पुरी से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा के एक बयान की, जिस पर ओडिशा समेत सियासी गलियारे में इसकदर घमासान छेड़ गया कि संबित पात्रा को डैमेज कंट्रोल करने के लिए फौरन अपने उस बयान पर सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। संबित पात्रा ने पहले सोशल मीडिया में ट्वीट के जरिए, बाद में मीडिया चैनल्स में अपने बयानों के जरिए सफाई पेश की। दरअसल कल पुरी में पीएम मोदी ने एक रोड शो किया था। रोड शो के बाद संबित पात्रा ने बहुत से चैनल्स से प्रधानमंत्री मोदी के पुरी आगमन और उनकी जगन्नाथ भक्ति को लेकर काफी कुछ कहा, लेकिन इसी दौरान एक चैनल को बयान देते वक्त उनकी जुबान लड़खड़ा गई और वो उल्टा कहते हुए भगवान जगन्नाथ को ही प्रधानमंत्री मोदी का भक्त बता बैठे। सियासी तूफान मचा तो संबित पात्रा को अपनी इस भूल का एहसास हुआ। उन्होंने स्लिप ऑफ टंग के लिए न सिर्फ सार्वजनिक माफी मांगी बल्कि अपने लिए सजा भी तय कर दी। कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ है, पहले तो मैं अपने गले के लिए क्षमा मांगता हूँ, गला बैठा हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुरी में भव्य रोड शो था। रोड शो जब समाप्त हुआ, सफल भी हुआ, उसके बाद कई मीडिया चैनलों में मैंने बाइट दी। लगभग मुझे लगता है 15-16 मीडिया चैनलों में मैंने बाइट दी और हर जगह मैंने यही बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाप्रभु जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अहमदाबाद में बतौर मुख्यमंत्री और उससे पहले भी हमेशा वो अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है और महाप्रभु को हमारे प्रधानमंत्री बहुत मानते हैं। हर चैनल में मैंने यही बात कही। शेष में जब एक चैनल ने बाइट लिया, बहुत भीड़ थी, उस समय बहुत धूप भी थी, गर्मी भी थी, बहुत शोरगुल भी था, अनजाने में बाइट देते समय मैंने उसका उल्टा कह दिया कि मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने सही हालत में ऐसा कभी कह भी नहीं सकता है कि किसी मनुष्य के भक्त भगवान होंगे। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है एक चैनल को बाइट देते समय। मैं मानता हूं कि कुछ लोग इससे आहत जरूर हुए होंगे, मगर अनजाने में हुए त्रुटि को ईश्वर भी क्षमा करते हैं। मेरी मनसा बिल्कुल वो नहीं थी, मगर फिर भी चूंकि महाप्रभु हम सब उड़िया वासियों के लिए और केवल उड़ीसा के लिए नहीं, मैं तो खुद उनका भक्त हूँ, पूरे भारतवर्ष और विश्व के लिए वो सबसे बड़े देवता हैं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। और बाद चुनावी रैलियों में जुटने वाले भीड़ और उससे जुड़े हुए खतरे की आशंका के, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर अखिलेश यादव की रैली के दौरान एक बार फिर फूलपुर और प्रयागराज वाला ही हाल दिखा। बेकाबू भीड़ अखिलेश यादव के मंच के पास में आ गई।
भारी शोर शराबे के बीच में अखिलेश यादव कुछ देर तो भाषण देते रहे, लेकिन आखिरकार हादसे की आशंका को देखते हुए उन्होंने अपना भाषण बीच में ही खत्म कर दिया। संत कबीर नगर के इस वीडियो के बाद से अब आपको फूलपुर का वो वीडियो दिखाते हैं जब राहुल और अखिलेश के साझा रैली में बेकाबू भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और मंच के पास आ धमके, जहां पर राहुल और अखिलेश दोनों को बिना भाषण दिए ही फिर वापस जाना पड़ा। इस दौरान भगदड़ में सैकड़ों समर्थकों की जूता चप्पल पैरों से निकलकर मौके पर ही छूट गया और आलम यह था कि सैकड़ों लोग पेड़ों पर चढ़े हुए दिखाई दिए थे। सभी दलों के समर्थकों को यह ध्यान रखना होगा कि जिंदगी बहुत कीमती है और चुनावी उत्साह में यूं अपनी जान को खतरे में ना डालें, यह कतई सही नहीं है। रैली के दौरान समर्थक सरकारी गाइडलाइंस, बैरिकेडिंग से समुचित दूरी का खास ध्यान रखना चाहिए उन्हें और इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनका व्यवहार अपनी या किसी दूसरे की जिंदगी को खतरे में नहीं डाले। ईडी ने आम आदमी पार्टी पर 7 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया है और ईडी ने FCRA जांच की मांग करते हुए गृह मंत्रालय को इसको लेकर एक पत्र लिखा है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 2014 से लेकर 2022 तक 8 देशों से 7 करोड़ 8 लाख रुपए का विदेशी फंड मिला। ईडी इसे विदेशी मुद्रा मानदंडों का उल्लंघन मान रही है। अपने डोजियर में ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह बताया कि आम आदमी पार्टी को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान से विदेशी फंड प्राप्त हुआ। अब खास बात यह है कि ईडी का यह डोजियर दिल्ली में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया। ईडी ने अपने इन आरोपों की पुष्टि के लिए आम आदमी पार्टी के ओवरसीज इंडिया समन्वयक अनिकेत सक्सेना, आम आदमी पार्टी के तत्कालीन ओवरसीज इंडिया के संयोजक कुमार विश्वास, आम आदमी पार्टी के तत्कालीन सदस्य कपिल भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारियों के बीच में ईमेल के आदान प्रदान का हवाला दिया। और यही नहीं, ईडी ने दुर्गेश पाठक पर साल 2016 में कनाडा से फंड कलेक्शन के दौरान निजी हितों के लिए बड़ी हेराफेरी का भी आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने ईडी के विदेशी फंडिंग के हेराफेरी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को पार्टी को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश करार दिया। अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंत्री जो है आतिशी, उनके मुताबिक बीजेपी ईडी के जरिए विदेशी फंडिंग की नई साजिश लेकर आई है। आतिशी ने दावा किया कि जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है चंदे को लेकर पूरी पारदर्शिता बरती गई है, लिहाजा बीजेपी जितने चाहे आरोप लगा ले, इन आरोपों का जवाब दिल्ली और पंजाब की जनता चुनाव में देगी। आतिशी ने इन आरोपों को पुराना मामला भी बताया और कहा कि इन आरोपों का जवाब ईडी, सीबीआई, आईटी और ईसीआई को पहले ही दिया जा चुका है और आतिशी ने कहा कि अगले 10 दिनों तक हर दिन बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर वो झूठे आरोप लगाएंगे, लेकिन 4 जून के बाद गठबंधन इंडिया की सरकार बनने वाली है और तब बीजेपी के घोटालों की जांच शुरू। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमले की साजिश रच रही है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कई मेट्रो स्टेशन पर और मेट्रो ट्रेन में केजरीवाल के लिए धमकी भरे स्लोगन लिखे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर बीजेपी घबराई हुई है, लिहाजा पीएमओ के इशारे पर धमकाने की कोशिशें की जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों पर कहा कि जांच की जा रही है कि किस मेट्रो ट्रेन में या किस स्टेशन पर ये धमकियां लिखी गई। सीएम केजरीवाल के पीएम विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाने के बाद से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अपनों के बीच में घिर गए हैं। मालीवाल का दर्द इसे लेकर सोशल मीडिया पर चल गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में स्वाति मालीवाल ने लिखा कि शिकायत दर्ज करने तक मैं उनके लिए लेडी सिंगम थी, आज मैं बीजेपी की एजेंट। मालीवाल ने आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज करवाने के बाद से पूरी ट्रोल आर्मी उन्हें चुप कराने की कोशिश में उनके खिलाफ लामबंद हो रही और ये झूठ फैला रहे कि मैंने भ्रष्टाचार के आरोप में मुझ पर दर्ज की गई एफआईआर के दबाव में ऐसा किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में दर्ज की गई थी, जिसके बाद से सीएम और एलजी ने मुझे 2 बार महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। दरअसल शनिवार को केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा था कि मालीवाल को बीजेपी चुनावों के दौरान मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही है और वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में थी। दिल्ली के संगम बिहार में कल रैली के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम आवास में स्वाति मालीवाल से हुई मारपीट का मुद्दा उठाया। अमित शाह ने संगम बिहार की रैली के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल पर करारा वार किया। अमित शाह ने केजरीवाल को यूटर्न लेने वाला शर्मनाक शख्स करार दिया, कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर एक महिला सांसद के साथ मारपीट की गई, ऐसा सीएम महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में दिल्ली में की सरकार कांग्रेस की गिराकर इनको जेल में डालेंगे, आज सत्ता के लिए
वो ही कांग्रेस की गोदी में बैठकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। महिला सुरक्षा पर मैं कोई बात करना नहीं चाहता, वरना केजरीवाल जी रूठ जाएंगे कि भाई निजी आरोप करते हैं। मगर भाइयों बहनों मुझे बताओ, मुख्यमंत्री आवास में किसी राज्यसभा सांसद महिला का पिटाई हो, वो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल प्रचार को लेकर अंतरिम जमानत पर। 2 जून को उन्हें अब तिहाड़ जेल वापस जाना है और प्रचार के इन चंद दिनों में बखूबी उन्हें पता है इसीलिए कि बीजेपी पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कीमत मालूम है कि भी बाहर है और सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर वो वार कर रहे हैं। कल दिल्ली की एक सभा में केजरीवाल ने बीजेपी के 2014 के चर्चित नारे को ही अपना हथियार बना लिया और जनता से मुखातिब होते हुए कहा कि 4 जून को अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी के लिए 2014 में अच्छे दिन वाले इस नारे का मतलब क्या था, लेकिन केजरीवाल ने अब उसी नारे में हेर फेर करके अपना सियासी से हथियार बना लिया। और इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने प्रचार के दौरान पहली बार मंच साझा कर रही पत्नी सुनीता केजरीवाल की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े और पत्नी की तुलना उन्होंने झांसी की रानी से कर दी। भाई साहब इस बार लिखवा लो मेरे से, 4 जून को मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। अच्छे दिन आने